ऐसी ही एक बहुत अच्छी भाजी है टमाटर। टमाटर अब आजकल जो टमाटर आ रहा है वो काम का नहीं है। आजकल जो है ना बड़ा बड़ा टमाटर आया है और वो बहुत कड़क भी होता है और उसमें टेस्ट भी नहीं है। ये टमाटर किसी काम का नहीं। आप टमाटर नाम देखकर कुछ खा रहे हैं तो ठीक है, वरना उसमें टमाटर का कोई भी गुणधर्म नहीं है। जो देशी टमाटर आता है, देशी टमाटर आप सब समझते हैं, जो देशी टमाटर है, जवारी टमाटर है, ये सबसे अद्भुत औषधि है उन सब के लिए जिनको डायबिटीज है। जिनको भी डायबिटीज है उनको भरपेट टमाटर की सब्जी खानी चाहिए, देशी टमाटर। जिनको भी डायबिटीज है उनको टमाटर का सूप पीना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको टमाटर काट के सलाद के रूप में खाना चाहिए। जितना ज्यादा टमाटर आप खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज कम होगा। लेकिन टमाटर वही हो जो मैं आपसे कह रहा हूं, देशी टमाटर, जवारी टमाटर मिलता नहीं है। आप थोड़ा ढूंढेंगे तो मिलता है, महंगा मिलता है, देर से मिलता है। और आप शेतकरी के सामने बोलिए हमको देशी टमाटर चाहिए तो वो देगा। अभी शेतकरी नागरिकों को मैं कहता हूं तो वो कहते हैं राजीव भाई कोई डिमांड ही नहीं करता, सबको देखने में अच्छा टमाटर चाहिए, तो ये विदेशी ही है। आपको देखना अच्छा ना हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो ऐसा टमाटर देशी है। तो आप बोलिए भाजीपाला वाले को, वो शेतकरी को बोलेगा, शेतकरी उसका बीज लगाएगा, बीजारोपण करेगा तो आपको मिलेगा। नहीं तो आपके पास अगर थोड़ी खेती है तो आप इसमें देशी टमाटर जरूर लगाइए। इस देशी टमाटर का बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग है। जिन बच्चों को बचपन में चश्मा लग गया आंखों में, उम्र तो कम है लेकिन आंखों की रोशनी कम हो गई है, उन सभी को टमाटर में काली मिर्च मिलाकर खिलाइए। टमाटर काटिए कच्चा और उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल के रोज एक प्लेट भर के सुबह सुबह खिलाइए। 4 महीने अगर लगातार खिला दिया तो आंखों का चश्मा उतर जाए। जी दही मत डालिए, खाली टमाटर काली मिर्च उसके ऊपर डालकर कच्चा टमाटर के छोटे छोटे पीस काटकर देशी टमाटर के एक प्लेट भर के, प्लेट भरने से मतलब मेरा है कि खाने के बाद उनका पेट भर जाए बच्चों। 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चों को चश्मे चढ़े हैं आंखों पर, अगर टमाटर और काली मिर्च नियमित रूप से 4 महीने खिला दें तो उनके चश्मे उतर जाएं। इसी टमाटर का एक और अच्छा सदुपयोग है। कई बार छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं अक्सर देखता हूं, डेली का डेली संडास नहीं होती, 1 दिन बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद कई बार ऐसे बच्चे मेरे पास इलाज के लिए आते हैं। उनको खाली टमाटर, देशी टमाटर का रस देना शुरू कर दीजिए, जूस देना शुरू कर दीजिए, सूप देना शुरू कर दीजिए, तो रोज का रोज उनका पेट साफ होने लगेगा, बराबर समय से उनको संडास होने लगेगी। ये टमाटर रक्त वर्धक है, रक्त शोधक है। रक्त में अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया हो तो टमाटर खाइए खिलाइए, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। रक्त की मात्रा कम हो गई हो तो रक्त बढ़ाता है, रक्त का शोधन भी कर देता है। रक्त में अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, नियमित रूप से आप कच्चे टमाटर खा लें 4 महीने के बाद और उसके बाद आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करें तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL और VLDL, ये बहुत बढ़ गया हो, 4 महीने नियमित रूप से प्लेट भर के करेंगे। देखिए प्रकृति का कुछ नियम है, उसमें से एक नियम हमेशा ध्यान रखिए कि वृक्ष को जब तक स्वयं फल की जरूरत है तब तक वो उसको पकड़ के रखता है, जिस दिन उसकी जरूरत पूरी हो जाती है वो खुद छोड़ देता है, फिर वो आपके काम का हो जाता है। तो टमाटर जब तक हरा है तब तक वृक्ष के लिए जरूरी है। क्यों पता है? हरे रंग का टमाटर ही वृक्ष को भोजन बनाकर देता है। आपने वो क्रिया सुनी है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ के हरे पत्ते और हरे पत्तों के साथ फल जो हरे रंग के हैं वो दोनों मदद करते हैं भोजन बनाने, और पेड़ को उस भोजन की सप्लाई होती है। जब तक पेड़ को भोजन की जरूरत है तब तक उसके ऊपर फल हरे रंग के रहते हैं। जिस दिन पेड़ को वो भोजन की कमी नहीं रहती या जरूरत उतनी नहीं रहती, वैसे ही वो टमाटर लाल हो जाता है, आम पीला हो जाता है और दूसरे फल के रंग बदल जाते हैं और पट से पेड़ उसको छोड़ देता है, फिर वो आपके काम का हो जाता है। तो जब तक वो वृक्ष के काम का है तब तक मत तोड़िए। जिस दिन वो उसके काम का नहीं है वो अपने आप छोड़ने वाला है, आप उसको उठा लीजिए।
तो टमाटर को वृक्ष तभी छोड़ेगा जब लाल रंग का वो हो जाएगा, इसलिए टमाटर का माने ही है लाल टमाटर।